कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज के बारे में जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि सोज बिल्कुल आजाद हैं और उनके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सोज को पुलिस वाले उनके घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। पूछे जाने पर अब सरकार ये कहती है कि ये कोविड-19 के संक्रमण से एहतियात की वजह से किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज अपने घर में नजरबंद हैं। गेट बन गई है, ये सिपाही मुझे रोक रहे हैं, आप ये देख रहे हैं मुझे, और ये सुप्रीम कोर्ट को बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जबकि जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो आजाद हैं। बात ये है, सरकार ने इस सिलसिले में एक हलफनामा भी दाखिल किया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। चलो मत करो रिकॉर्ड, अगर ये नहीं मानते मत करो। मीडिया को भी कांग्रेस नेता के घर के बाहर से रिपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देश गवर्नमेंट ने कहा सोचा फ्री है और वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कभी गिरफ्तार नहीं थे, और जिन पे लड़ मारी इस पुलिस पर, मैं कहता हूं आपको ये पुलिस स्टेट बन गई है, ये सिपाही मुझे रोक रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। अब सरकार सोज को घर से नहीं निकलने देने की अनोखी दलील दे रही है। उसका कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस की वजह से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सोज को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, सुरक्षा बल के 50 पुलिस कर्मियों को वायरस लग चुका है, 500 लोग क्वारंटीन किए जा चुके हैं। ऐसी हालत में हम सोज को उनके घर के बाहर सुरक्षा नहीं दे सकते। सोज फिर से अदालत जा सकते हैं। राहुल गांधी ने भी उनकी अवैध नजरबंदी पर ट्वीट किया है। सोज के वकील ने NDTV को बताया है कि अगर तथ्य रुकावटें और पाबंदियां साबित कर दें तो ये हलफनामे का उल्लंघन भी होगा और अदालत की अवमानना भी। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता पिछले साल अगस्त में बंद कर दिए गए थे, उनमें से कुछ अब भी नजरबंद हैं। चूंकि इनकी आधिकारिक गिरफ्तारियां नहीं हुई, लिहाजा सरकार इन्हें पकड़ने के बारे में इनकार करके बच भी सकती है। नजीर मसूदी, श्रीनगर, NDTV इंडिया।